children. My name is Advocate Aisha Reach and welcome to my channel Aisha Reagan Institution. आज की मेरी वीडियो स्पेशली है लैट के स्टूडेंट्स के लिए. जैसे कि आप सबको पता है कि 10 डेज रह चुकी है और इसके बाद क्या होगा कि लैट टेस्ट जो है वो हो जाएगा 16 जुलाई को. तो अब जिन बच्चों की तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है या उनके कुछ कंसेप्ट रह गए हैं जो अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके लिए और कौन सी कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो हमसे ऑनलाइन जो है इस नंबर पे मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि उनको जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें ऐड किया जा सके. ऑनलाइन क्लासेस में कैसे ऐड होना है, क्या हमारा प्रोसीजर है, किस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे, वो आपको इस वक्त मेरा जो नंबर शो हो रहा है इसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये हमारा 10 डेज का जो है वो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है. इस 10 डेज के अंदर अंदर जो है आपकी सारी तैयारी जो है वो सब्जेक्ट वाइज कम्प्लीट करवाई जाएगी, ठीक है. ये हमारा मंडे से ये हमारा ऑनलाइन 10 डे का सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है. और बच्चों आप इसको मिस मत करें क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन्हीं 10 डेज के अंदर अंदर बच्चों को करवाए जाएंगे. और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है तो बेहतर यही है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करें ताकि आपकी तैयारी को जो है वो बेहतर तरीके से करवाया जा सके और आप फर्स्ट ही चांस में जो है अपना सारा लैट टेस्ट उसको क्लियर करें. क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होता है कि वो इसको सीरियस नहीं समझते और जिसकी वजह से उनके लैट टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते और क्या होता है उनका स्कोर गिर जाता है. इसके अलावा आप लैट टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे अपना जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो ही भूल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके नहीं जाते. इसके बाद जो जीमेल होता है उसका पासवर्ड होता है वो ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जब उनका रिजल्ट आता है उन्हें वो चेक करना नहीं आता. तीसरे नंबर पे जो आपको शीट मिलती है, अब बच्चों को ये नहीं पता कि हमने उस शीट को कैसे सॉल्व करना है, क्या उसका तरीक़ेकार है, क्योंकि अक्सर टीचर्स जो है ना बच्चों को यही जो है वो अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं बताते हैं कि पेपर आपको किस तरह का मिलेगा. आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसके डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक, ग्रीन, येलो, वाइट, ठीक है, इस तरह के होते हैं. उसमें MCQs आगे पीछे होते हैं, ग्रीन वाले का ग्रीन वाले से मैच हो रहा होगा, येलो वाले का येलो वाले से मैच हो रहा होगा. अगर आप नकल करने की कोशिश भी करेंगे तब भी आप नहीं कर सकेंगे. तो इसलिए जितना आपको आता है आपने उसको इजीली करना है. इसके बाद दूसरी बात ये होती है कि बच्चों को जो कार्बन शीट होती है उसका इस्तेमाल नहीं आता. कार्बन शीट उन्होंने उल्टी रखी होती है, आपने क्या करना होता है उसको सीधा करना है, ठीक है. उसके नीचे एक और शीट है, उस पर क्या होता है कि जो आप अपने वो जो सर्कल बने होते हैं उस पर टिक करके आते हैं. ए आ ठीक है तो ए को आपने जो है सर्कल किया, बी ठीक है तो बी को सर्कल किया, इसी तरह से आप सारे हल करते जाते हैं. तो वो आंसर जो होते हैं वो जो कार्बन पेपर के नीचे एक पेपर रखा होता है उसके ऊपर वो लगते जा रहे होते हैं. उसका क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा आपको जो है जब आपका टेस्ट हो जाता है उसके विद इन 2-3 डेज में क्या है कि आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है. तो फिर 2-3 डेज में आपको जो है वो काम आते हैं, आपके वो शीट्स आप उससे चेक कर लेते हैं कि आप पास हैं या फेल हैं, उससे आपको हेल्प हो जाती है क्योंकि उतने मार्क्स हमें गेन कर लेते हैं. फिर हम असाइनमेंट जो हमारे पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे में नंबर आते हैं उसको हम मिला के फिर देख लेते हैं कि इतने हमारे नंबर काफ़ी हैं. तो ये तरीकाकार होता है, ये चंद बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है जब आपने लैट टेस्ट पेपर में अपीयर होना है. तो उससे पहले ये चंद बातों का आपने खास ख्याल रखना है, बच्चे ऐसे नहीं करते. और ये चंद बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं. इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो है जैसे ही आपका लैट टेस्ट आता है उसके बाद आपने जो है वो लॉ की तैयारी स्टार्ट कर देनी है. अपने आप को फारग नहीं रखना क्योंकि जितना आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपका टाइम वेस्ट होगा. तो मिलते हैं नई वीडियो.